ऐसा डॉग ब्रीड जो किसी भी वाइल्ड एनिमल को टक्कर दे सकता है, ऐसा डॉग ब्रीड जो बेसिकली एक बहुत अच्छा फैमिली पेट और बहुत अच्छा गार्डिंग डॉग बन सकता है, और सबसे बड़ी बात हमारे इंडिया का है। सो मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी ओवर हियर ऑन TUC आपको बताऊंगा आज गद्दी कुत्ता के बारे में। ओरिजिन, गद्दी कुत्ता का जो ओरिजिन है ये बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना गद्दी समुदाय का है। गद्दी समुदाय पहाड़ों पे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, नोमैड पीपल होते थे, बंजारे होते थे, उनके घर होते थे, लेकिन वो अपनी शीप्स और गोट्स लेके, अपने भेड़ बकरियाँ लेके इधर से उधर उनके चारे के लिए भटकते थे, क्योंकि एक पहाड़ पे जब वो भेड़े खाना खा लेती थी तो वहाँ खाना उगने में काफ़ी टाइम लगता था, मतलब घास उगने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन जो बीच का जो ट्रैवल होता था उसके लिए उन्हें एक बड़ा सा कुत्ता चाहिए था जो बेसिकली भेड़ियों से और जानवरों से इनकी रखवाली करे। तब जाके गद्दी कुत्ते का चलन स्टार्ट हुआ था और लोगों ने इनको पालना स्टार्ट किया। गद्दी कुत्ता बेसिकली जो नाम पड़ा है इसी समुदाय के थ्रू पड़ा है कि ये गद्दी लोगों के साथ ये कुत्ता जब घूमना स्टार्ट कर दिया तो उसका नाम गद्दी कुत्ता पड़ गया। ये कुत्ता एक प्योर लाइनेज का कुत्ता है, वन ऑफ द एंशिएंट ब्रीड्स। इन्हीं से जाके आगे दूसरे कुत्तों की वेरिएशंस जो आज आप टिबेटियन मैस्टिफ में देखते हैं ऑनलाइन, इतना बड़ा बड़ा भालू वाला कुत्ता, उसके अंदर टिबेटियन मैस्टिफ के अंदर भी गद्दी कुत्ते का खून है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जो कि है हैबिटेट। गद्दी कुत्ते का हैबिटेट कैसे होना चाहिए? वेल, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि गद्दी कुत्ता हर जगह सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मोस्टली अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो जैसे खीर गंगा, नारकंडा या तोश या कहीं भी आप जा रहे हो मनाली, वहाँ पे आप देखते होंगे ट्रैकिंग के टाइम पे एक कुत्ता आपके साथ चलते हुए साथ में ट्रैक पूरा करता है। बेसिकली वो हिमालयन शीपडॉग गद्दी ही होता है जो आपके साथ नदी, नाले, पहाड़, झरने हर जगह क्रॉस करता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेरेन कैसा है, उसका जो हैबिटेट है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हर जगह उसे जगह जगह खतरे मिलते हैं, लेकिन तब भी वो डॉग खुशी खुशी अपने मालिक के साथ ट्रैवल करता है और हर जगह जाके अपना बसेरा बनाता है। गद्दी कुत्ता जो है वो हर जगह पाया जाता है जहाँ गद्दी लोग अक्सर जाते हैं। ये तो लाइंस हमने खींच दिए मैप पे कि ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है, ये जम्मू है, लेकिन गद्दी कुत्ते का जो वेरिएशन है, अगर गद्दी कुत्ते को ऊपर भेजते हैं हम वहाँ पे तिब्बत साइड तो वो टिबेटन मैस्टिफ के रूप में आता है। यहाँ तक कि मंगोलिया में भी गद्दी कुत्ते के कुछ वेरिएशंस मिलते हैं, नेपाल में, सिक्किम में, आपका जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तरांचल में एंड आपका हिमाचल में, पंजाब के कुछ रीजन्स में, हर जगह आपको गद्दी कुत्ते का एसेंस मिलेगा, उसके बच्चे मिलने पॉसिबल है। क्योंकि गद्दी लोग जो होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, वो इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं और उनको वही जगह अच्छी लगती है जहाँ पे घास ज़्यादा उगती है उनके बकरियों के लिए। नेक्स्ट आते हैं टेम्परामेंट पे। टेम्परामेंट कैसा होता है गद्दी कुत्ते का? वेल, जैसा मेरा है या आपका है, गद्दी कुत्ता वो ऐसा कुत्ता है जिसका टेम्परामेंट इंसान जैसा होता है। अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर फैमिली के बच्चे भी उसकी पूंछ, कान, नाक, आंख में उंगली दे रहे हैं तब भी वो डॉग कुछ नहीं कहेगा। मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतना मस्त मिजाज का कुत्ता होता है कि उसे फैमिली के बच्चों से कोई दिक्कत नहीं, बड़ों बूढ़ों से कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई जानवर या कोई भी इंसान गंदे नीयत के साथ उसके झुंड या उसके परिवार के पास आता है तो उसको मारने में ये सक्षम रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गद्दी पे। गद्दी किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? गद्दी वैसे तो बेसिकली एक ही तरह का कुत्ता होता है जो गद्दी लोगों के साथ रहता है, उसे गद्दी डॉग कहते हैं, लेकिन इसके भी तीन वेरिएंट होते हैं जिसमें से एक वेरिएंट जो है वो विलुप्त हो चुका है, लगभग विलुप्त हो चुका है मैं अगर सही कहूँ तो। पहला आते हैं महीदंत गद्दी पे। महीदंत मतलब बड़े दांतों वाला गद्दी, मही मतलब बड़ा, दंत मतलब दांत। बेसिकली महीदंत गद्दी जो होता है वो टिबेटियन मैस्टिफ के साइज़ का होता है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, बड़े साइज़ के गद्दी ले जाके उनकी ब्रीडिंग टिबेटियन मैस्टिफ की तरह बड़ी कर दी है और उसे टिबेटियन मैस्टिफ के तौर पे पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर दिया है। सो आज की डेट में अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल या नेपाल जाते हैं वहाँ पे आपको बेसिकली महीदंत गद्दी बिल्कुल नहीं मिलेगा, लोग उसको विलुप्ति के कगार तक पहुँचा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं बन गद्दी।
बनगद्दी क्या होता है? आपने अक्सर पहाड़ों पे देखा होगा कि एक ऊंचा लंबा कुत्ता जिसकी दाढ़ी होती है या मूछें होती है, पूरे बाल होते हैं मुंह पे, उसे अक्सर लोग कायप्सू कायप्सू कह के भी कहते हैं, लेकिन वो होता है बनगद्दी। बनगद्दी जो एक डॉग होता है उसके मुंह पे बाल होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो गद्दी डॉग के साइज का ही होता है। लगता वो पूडल है या फिर इंग्लिश शीप डॉग जैसा है, लेकिन होता वो हिमालयन शीप डॉग ही है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल हिमालयन शीप डॉग या पैंथर हाउंड जिसे हम कहते हैं, कि वो क्या होता है। पैंथर हाउंड हिमालयन शीप डॉग बेसिकली महिदन गद्दी से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बन गद्दी जितना ही होता है, लेकिन उसके फेस पे बाल नहीं होते, एक नॉर्मल पहाड़ी कुत्ते जैसा देखने में होता है। ये इसके बेसिक 3 वेरिएंट्स हैं। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आते हैं कि गद्दी कुत्ता किन यूजेस में आता है। गद्दी कुत्ता जो होता है बेसिकली अपने समुदाय के साथ रहता है, घूमने फिरने के काम आता है, काफ़ी अच्छा वर्किंग डॉग होता है। वर्किंग डॉग मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस सर्विस जो है वो भी आजकल गद्दी कुत्ते का इस्तेमाल कर रही है गार्डिंग के तौर पे। लेकिन गद्दी कुत्ता कई और चीज़ों के काम भी आता है गद्दी समुदाय के लोगों के। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ वो जो करते हैं भेड़ बकरियों की रक्षा। दूसरा काम क्या करते हैं, वो अपने भेड़ बकरियों को लेके जाना जंगल में और बिना मालिक के वापस लेके आना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 100-200 बकरियाँ या गाय भैंसे लेके चले जाते हैं जंगल के अंदर, और वहाँ पे कोई मालिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो वैसी की वैसी जितनी गाय भैंसे या जितनी बकरियाँ गई हैं उन सबको लेके वापस आता है, वो भी साबुत विदाउट किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल के हमले के। सो आप समझ रहे कितना पर्टिकुलर और कितना जटिल काम होता है इनका। लेकिन अब ये गद्दी कुत्ते धीरे धीरे करके शहरों में भी एंटर करने लग गए और हम सब पालने लग गए। सो फर्स्ट आते हैं ग्रूमिंग। इस डॉग को डेली 3 बार ब्रशिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बाल भालू जैसे होते हैं, तो आपको प्रॉपर डेली ग्रूम करते रहना पड़ेगा। और साल में एक बार ये अपना कोट शेड करता है जो कि इसका विंटर कोट होता है। तो विंटर कोट शेड होने के बाद इसके बाल कम हो जाते हैं, और ये एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते इतना बाल लेके घूमता है, सो ही कैन सर्वाइव इन अ सिटी ऑल्सो वेरी वेल। लेकिन इट्स अ बिग डॉग, 40-50 किलो का होता है, आपको स्पेस की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, स्पेस आपके पास होना चाहिए जहाँ ये घूमते रहे। और डेली वॉक्स ये कुत्ता ऐसा है, अगर आप एक आलसी बंदे हैं तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका कुत्ता घर से भाग जाएगा और ही विल मेक श्योर 5-6 दिन बाद वापस आ रहा है घूम फिर के। अगर आप उसे वॉक नहीं करा रहे, वो अपनी वॉक्स खुद लेने पहुंच जाता है। इस डॉग ब्रीड की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे एक्टिविटी डेली चाहिए। मतलब ये मैराथन रनर है, स्प्रिंटर नहीं है। मैराथन रनर वो होता है जो बेसिकली चलते रहता है दूर तक, जितना भी खींचना खींचो थकेगा नहीं, लेकिन स्प्रिंटर नहीं है। तो इसको स्पीड में नहीं भगाना, इसको धीरे धीरे वॉक कराते रहना कराते रहना कराते रहना। जितना आप वॉक करा सकते हैं लॉन्ग वॉक्स, ही वुड लव दैट, स्पेशली इन इवनिंग एंड द नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग्स। अब आते हैं डाइट। गद्दी कुत्ते की डाइट क्या होनी चाहिए। गद्दी कुत्ता बेसिकली सब कुछ खाता है, उसके नखरे कुछ भी नहीं होते। गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वो बेसिकली फ्रोजन योगर्ट या फिर चीज़ या रोटी या सूखा चावल, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स उसको खाने में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई हैंडी चीज़ें नहीं होती या ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए दुकानें नहीं होती, वो जंगल में होते हैं तो वैसा ही खाना उसको देते हैं, और तब भी वो इतना बड़ा ग्रोथ लेता है। यहाँ इन शहरों में आप उसको नॉर्मल होम कुक फूड दे सकते हैं एंड उसके कोई नखरे नहीं होंगे एंड वो इजीली खाएगा। आज ये सेगमेंट हम यही ख़त्म करते हैं गद्दी कुत्ते के बारे में। नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और इंडियन ब्रीड लेके आएंगे। मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आपको बाय कहता हूँ। बाय बाय।